हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। ये हम खोआ मंगाए थे तो इसका हम पेड़ा बनाने चल रहे हैं। अब इसको हम ये कढ़ाई में डालेंगे, थोड़ा पिघलाएंगे, धीमी आंच में इसको हम थोड़ा सा पिघलाएंगे। धीरे धीरे डालेंगे इसको हम। ये देखिए खोआ हमारा इसमें हल्का सा गर्म होकर मुलायम हो गया, पिघल गया है। लगभग आधा किलो हमने खोआ लिया था, आधा किलो हम चीनी भी इसमें मिला रहे हैं। इसको अब हम धीरे धीरे चलाएंगे। ये हम इसमें चीनी को गला रहे हैं। ये देखिए चीनी हल्का हल्का गल रहा है। चीनी गल जाएगा तो थोड़ी देर तक और हम पकाएंगे। अभी तो हम गला रहे हैं इसको। ये हमारा खोआ और चीनी दोनों पक गया है। देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसको हम मिला के ठंडा करेंगे, तब इसका हम पेड़ा बनाएंगे। ये हमारा खोआ ठंडा हो गया है। अब इसको हम चल रहे हैं पेड़ा बनाने। हल्का सा हाथ में घी लगा ले रहे हैं देसी। इसको हम बनाएंगे। इस तरह हम बना के सारा रखते रहे हैं। पहले देखिए इस तरह हमारा पेड़ा बन रहा है। इतना बन गया है और हम बना रहे हैं अभी। ये हमारा सूख रहा है तो इसको हम हल्का सा रगड़ के बना दे रहे हैं। ठंडा हो गया है हमारा थोड़ा चीनी। ये हमारा पेड़ा इस तरह बनकर रेडी हो गया है, देख लीजिए। और खाने में भी स्वाद इसका भी बहुत अच्छा है। ये बहुत टेस्टी होता है खोए चीनी का पेड़ा। हाँ फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से बनाए मेरा तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़ दोस्तों। धन्यवाद।